आत्मा का ही विकास है। स्वरूप निज चीनी के, बंध जग तोड़ी के, अपने लोक को चलो रे भाई। आचार्य की लेखनी से अनंत ज्ञान का सहज प्रकाश हुआ है। लेखनी से शब्द शब्द में चमत्कार भरे पड़े का सहज प्रकाश हुआ। सिद्धांत प्रेमियों के लिए शब्द शब्द में चमत्कार भरे पड़े, बड़ा आवश्यक प्रेमियों के लिए प्रचारकों की परीक्षा में बड़ा आवश्यक है। मैंने निर्देश दिया था जो भी प्रचारकों की परीक्षा में प्रचारक बनना चाहते हैं बनेंगे, परीक्षा जो भी के माध्यम से यह कार्य होगा और बनना चाहते हैं आचार्य श्री प्रथम के माध्यम से यह कार्य आचार्य श्री प्रथम के जितने भी ग्रंथ हैं आचार्य श्री प्रथम स्वर वेद भाष्य से लेकर आचार्य श्री प्रथम के जितने उनके समस्त ग्रंथों पर व्यापक चिंतन होना चाहिए। स्वर वेद सिद्धांत से दूर नहीं जा सकते, अब किसी को दूर नहीं होने दिया जाएगा। समस्त ग्रंथों पर व्यापक चिंतन होना चाहिए, मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था। दूर नहीं जा सकते, अब किसी को दूर नहीं होने दिया जाएगा। एक एक शब्द में आप देखेंगे क्या क्या चमत्कार भरा पड़ा है। सदगुरु देव ने ज्ञान के अनंत मोती को रख दिया, वो मोती चुनने वाला है, वो होना ना चाहिए ना, उसको समझ में आना चाहिए क्या है, वो तो ऊपर पर चला जाएगी। इतना महान ज्ञान को रख दिया समुद्र में से, समुद्र में से जिसने मोती निकाल लिया ज्ञान का, उन्हीं महान सत्ता का नाम है सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद देव जी महाराज। जिसने मोती निकाल लिया ज्ञान का, उन्हीं महान ऐसा प्रवाह लेखनी का, अजस्र प्रवाह, भीतर से प्रेरणा मिलती है। मुझे अवकाश नहीं है मैं ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकूं। जो भी है सहजता से प्रकट है, बाल्यकाल से प्रकट है, कोई अध्ययन से नहीं है। यदा कदा कभी कुछ मिनटों के लिए जब आचार्य श्री के ग्रंथों को देखता हूं तो तब ऐसा लगता है कुछ मिनटना के लिए ज्ञान का अनंत प्रवाह उस महान सत्ता ने प्रवाहित किया है, बस उनके चरणों में नतमस्तक होने का और ज्ञान ये स्वाभिमान आता है। महान आचार्य श्री प्रथम किया है ने जो ज्ञान की अद्भुत ज्योति जलाई है और वो तो ग्रहण करने योग्य है, स्वाभिमान आता उसे सीखने की प्रेरणा मिलती। ये जो ज्ञान की अद्भुत ज्योति जलाई है सदैव जी ने ग्रहण करने योग्य है, बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया, सीखने की प्रेरणा मिलती। सदैव जी ने पुस्तकालय के सहयोगियों के माध्यम से आचार्य श्री प्रथम के संपूर्ण लेखों का एक अनूठा संग्रह बना दिया। पुस्तकालय के सहयोग सब वरिष्ठ प्रचारकों के पास होना चाहिए, जो सिद्धांत का प्रचार करना चाहते हैं, जो सत्संग में रुचि लेना चाहते हैं उनके लिए अनिवार्य है होना चाहिए। जो कई बार सत्संग में हम कुछ सामान्य सहज बातों को ही लेकर उसी कुआं में घूमते रहते हैं, ऐसा दिव्य ग्रंथ विहंगम योग दर्शन दिग्दर्शन, उसमें आचार्य श्री का पूरा दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान विहंगम योग का है। मेरे भी प्रवचनों पर अब तक के बाल्यकाल से अब तक जो भी प्रवचन हैं उनका भी संग्रह किया गया है। विहंगम योग दिव्य दर्शन के नाम से सिद्धांत के आधार पर स्वरवेद के ज्ञान के आलोक से सहजता से स्वयं के विवेक से सदगुरु कृपा के आधार से जो कुछ भी मिला है, सेवा भाव में कर्तव्य और दायित्व के बोध से और सिद्धांत की स्थापना की दृष्टि से इस सेवक के द्वारा वह आपकी सेवा में समर्पित किया जा चुका है।
आचार्य प्रथम का जो दर्शन दिग्दर्शन है वो सभी प्रमुख प्रचारकों के पास होना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से और विहंगम योग का मूल स्वरूप बनाए रखने की दृष्टि से उसका अवलोकन करना और उसका प्रचार और प्रसार करना प्रत्येक विहंगम योगी का प्रधान कर्तव्य है, प्रधान दायित्व है। कर्म से लेकर भक्ति तक, धर्म से लेकर मोक्ष तक, जीवन के अनेक पहलुओं पर ऐसा प्रकाश दिया है। एक एक शब्द अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। एक एक वाक्य आप देखेंगे तो लगेगा कितना ज्ञान का अनंत प्रवाह है। संसार के भोग शांत नहीं होते, भोगों से वैराग्य ले, महाप्रभु की भजन करनी चाहिए, कर्म और भक्ति का स्वरूप। जो अध्यात्म के विद्यार्थी हैं, जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, आचार्य श्री के ग्रंथों का अवलोकन किए बिना आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ सकता, इसे समझ लेना चाहिए। स्वरवेद का आधार है। ऐसे वरिष्ठ प्रचारक, नए पुराने प्रचारक यदा कदा मुझसे कहते हैं आचार्य श्री की वाणियों, उनके ग्रंथों का अवलोकन करके ज्ञान की अनंत प्रभा का अनुभव करते। सदगुरु की अनंत महिमा है। नित्य अनादि सदगुरु से लेकर परंपरा सदगुरु का यह प्रवाह है। हमें तो महापुरुषों से सीखना है, उनके पद चिन्हों को ढूंढना है। कैसे कैसे पांव किधर किधर कहां गए हैं, उन्हीं पांवों को निहारना है और उन्हीं पथ पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। स्वयं के विवेक के बल के साथ भी बढ़ना है, लकीर का फकीर भी नहीं बनना है। हाँ, ये भी बात है। विवेक बड़ा धन है। सहजता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना, सबके लिए कल्याणकारी है। समय की एक सीमा है और अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है ऐसा लगता है। 4-5 घंटे बाद लगता है कि अब तो शुरू हो रहा है कुछ सत्संग। इतना ज्ञान है इस ब्रह्म विद्या में, इतना ज्ञान है सद्गुरुदेव के स्वर वेद में, और देने वाले ने इतना दे दिया है कि उसकी अनंत महिमा है। महिमा है सद्गुरुदेव की, महिमा है ब्रह्म विद्या की, महिमा है विहंगम योग की। यहाँ तो महीनों बैठे रह जाए, रोज 5 घंटा चलाएं, फिर भी क्या होगा। ओ अनंत अनंत है, कुछ मोती मिल पाएंगे। हम तो इसीलिए इन वाणियों का उपयोग करते हैं कि बस शुद्धता में बढ़ता रहें, और क्या करना है। ये तो सेवा भाव है, ये तो कर्तव्य बोध है, ये दायित्व बोध है, ये सिद्धांत की स्थापना है। कोई प्रदर्शन करने थोड़े हम लोग यहाँ बैठे हैं 3 दिन से। ये कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये कोई पांडित्य की वस्तु नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है, ये विहंगम योग है। ये तो प्रकाश के साथ रहने का प्रयत्न है, ये तो सिद्धांत के चरणों को चूमने का प्रयास है, ये तो स्वर वेद के पथिक बनने का प्रयत्न मात्र है। ये कोई प्रदर्शन, सबका बड़ा सहयोग मिल रहा है। पूरे देश के संत समाज के लिए अवसर है, बाहर के लिए भी ऐसा दुर्लभ अवसर
सदगुरु की कृपा से मानवता के कल्याण के लिए, स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण के लिए, अनंत के विकास के लिए ऐसा दुर्लभ क्षण अवसर आ गया है जब हम 13 और 14 मई को 21,000 हवन कुंडों के द्वारा स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण को पूर्ण करके ही दम लेंगे, पूर्ण करके ही दम लेंगे। लाखों घरों में तो आपने स्वर्वेद पहुंचा दिया है, संपूर्ण संत समाज ने मिलकर पहुंचा दिया है, आपने परिश्रम किया है, क्षेत्र में आपने समय दिया है, लाखों लाख घरों में पहुंचा दिया है। हमारी मातृशक्ति का विशेष योगदान है, हमारी मातृशक्ति का, बहनों का, इन्होंने स्वर्वेद का झंडा बुलंद किया है, सबसे आगे बढ़कर कार्य किया। वो हमारी मातृशक्ति झारखंड राज्य की हो चाहे गुजरात की हो, वो नॉर्थ ईस्ट की हो चाहे बंबई की हो, देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हमारी मातृशक्ति ने स्वरवेद के अखंड पाठ से लेकर स्वरवेद महाग्रंथ के प्रचार के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। मातृशक्ति को नमन है। पुरुष भाइयों का भी योगदान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों का योगदान नहीं, आप सबका भी योगदान है और बड़ा योगदान है। लाखों लाख घरों में, लाखों लाख घरों में आपने सद्गुरु देव के ज्ञान का दीपक जलाया है, स्वरवेद का महाग्रंथ पहुंचाया है, ये बड़ी सेवा है, ये महान सेवा है, ये सद्गुरु के ज्ञान को दीपक के जलाने की सेवा है साहब। लाखों लाख घरों में पहुंचा दिया है, आप सबने मिलकर पहुंचा दिया है। डेरी आंसोन से जिसका प्रारंभ हुआ स्वरवेद महाग्रंथ के प्रसार का, सदगुरु देव की पावन जन्म जयंती के अवसर से सब संकल्पित हुए, आज भी लगे हैं, सब लगे हैं, आप सबका सहयोग मिल रहा है। 15,000 से भी ज्यादा भाई और बहनों ने 2,00,000 नए घरों में, परिवारों में अगले 2 वर्ष के लिए ही स्वरवेद पहुंचाने का महान संकल्प ले लिया है और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो स्वरवेद का प्रचार सहज नहीं है, आर्थिक सेवा कई बार दे देते हैं, जब बात आती है स्वरवेद महाग्रंथ को जन जन तक पहुंचाने की, कठिनता का अनुभव होता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, जो जमीन पर रहता है, जो धरातल पर रहकर काम करता है वही स्वरवेद का प्रचारक होता है, वही स्वरवेद का प्रकाशक होता है, जो जमीन और धरातल पर काम करता है, और आप सबने वो करके दिखा दिया है। एक संकल्प, दो संकल्प, हमार हो गई बा, आशीर्वाद दे दी और 10 गो ले ले बनी, यह हो जाओ पूरा, कौन कहता है, ये हमारी मातृशक्ति ज्यादा कहती है, इतना हो गई बा और 5 गो ले ले बनी, आशीर्वाद दे दी कि यह हमारे पूरा हो जाओ। सबके सहयोग से ही आगे बढ़ना है। लाखों घरों में, लाखों परिवारों में आपने स्वरवेद पहुंचा दिया और स्वरवेद महाग्रंथ को समर्पित स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को आप सब ही सदगुरु कृपा के आधार से पूर्ण कर देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है, ऐसा पूरा विश्वास है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है,
छपा है बाबू, देखिए ये छपा हैंडबिल, कितना छपा है नवा, ऊपर नीचे कहाँ गायब बड़ा भाई नवा, ये 1,00,000 छपा है, कितना है ये छपा है हैंडबिल, 21,000 कुंडीय वैदिक हवन यज्ञ विश्व के बृहत्तम साधना केंद्र के निर्माणार्थ स्वर्वेद उत्तरार्थ ज्ञान महायज्ञ का जो 13-14 मई को वाराणसी में आयोजित है 21,000 हवन कुंडों के लिए। और सब आप लोग ले लीजिए, कितना आया है यहाँ पर बताइए, 10,000 तो ले लिए होंगे है, जो इसमें विशेष सेवा देना चाहते हैं ले लीजिए, 10,000 है अभी 10,000 है, इसको आप ले सकते हैं। स्वर्वेद महामंदिर के बारे में विस्तृत वर्णन भी है, इसको आप ले सकते हैं। प्रधान कार्यालय कार्य कर रहा है, संत समाज के सहयोग के लिए बनाया गया है। इस प्रधान कार्यालय के नियम और नियंत्रण से स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा रहे हैं, बनाए जा चुके भी हैं। प्रधान कार्यालय झूसी का है, प्रधान कार्यालय झूसी का है, उसके अंतर्गत कुल देश भर में 25 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं, पूरे देश भर में 25 बनाए गए हैं, जिन्हें हब कहा गया है, इंग्लिश मैन की भाषा है हब, हम तो कहते हैं क्षेत्रीय कार्यालय, एक वो प्रधान कार्यालय है और ये क्षेत्रीय कार्यालय है, विद्वानों की दृष्टि में हब है, और उसके नीचे मिनी हब है, 25 हब बनाया गया है, सबको जोड़ते हुए आगे चलना है, संत समाज के लक्ष्य को पूर्ण करना है। हम 5,000 कुंडों में आहुति देते हैं, 5,100 कुंडों में बड़ी सामान्य सेवा के साथ सब मिलजुल कर करते हैं, और कई बार लक्ष्य से कुछ पीछे भी रह जाते हैं, सामान्य सेवा रहती है और सब लगते हैं, फिर भी हम सब कई बार लक्ष्य से पीछे भी हो जाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा आयोजन है, 21,000 हवन कुंडों का आयोजन है, इसकी एक निर्धारित सेवा राशि भी है, सब मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। बिहार में 5 जगह है जो चालू हो गया है, सद्गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि से 3-5 फरवरी इसी महीने में डेहरी आन सोन में कार्यक्रम हुआ, और 6 फरवरी को सासाराम में क्षेत्रीय कार्यालय का प्रारंभ हो गया, उद्घाटन हो गया। पटना में बनाया गया है, गया में, छपरा में और मुजफ्फरपुर में बनाया गया है, सब क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। झारखंड में कार्यालय बनाया गया है, टाटा, रांची, बोकारो, पलामू और देवघर, यही ना है, बिना देखे बोल रहे हैं, पढ़ लिख के ना बोले नहीं हम, तो
ढेर पढ़ल बाड़ा जा। यहाँ 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 पांच पांच बनाए गए, टाटा रांची बोकारो पलामू और देवघर। पांच बनाए गए हैं क्षेत्रीय संतुलन के लिए, समन्वय के लिए, इस कार्य के लिए बनाए गए हैं। दिल्ली में पहले से ही बना है, रोहिणी में, वहां विशेष सेवा में सब लग गए हैं। मुंबई में गोरेगांव है, बेंगलोर में बना है, जयपुर में बना है, दंडक वन आश्रम में बना है, रायपुर में, जगदलपुर में बना है, ग्वालियर में बना है, इम्फाल मणिपुर में बना है। कुल जो है 26 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं, विद्वानों की दृष्टि में जिसे हब कहा गया है। इसके अंतर्गत 54 मिनी हब भी हैं। तो इस इतने बड़े कार्य को ठीक ढंग से पूर्ण करने के उद्देश्य से मेरे निर्देश पर सद्गुरुदेव की प्रेरणा से, संकल्प से क्षेत्रीय कार्यालय प्रधान कार्यालय के द्वारा बनाया गया है। सद्गुरुदेव के संकल्प से, मेरे निर्देश से ये कार्यालय कम ज्यादा कार्य करना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, पूरी पारदर्शिता से कार्य होना है। हम सबका संकल्प महान, स्वर्गीय महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्गीय महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्गीय महामंदिर निर्माण। इसी तड़प और इसी ऊष्मा से इस महायज्ञ को हमें सफल बनाना है। सेवा संग्रहकर्ता के लिए आश्रम से कार्ड बनाया गया है, आईडी कार्ड, ये उनको मिलेगा, मिल रहा है, जो जो सेवा का संग्रह करेंगे, जो सेवा का संग्रह करेंगे, जो सेवा संग्रहकर्ता होंगे उनके लिए ये आईडी बनाई गई है मेरे निर्देश पर। ये आईडी को देने का जो कार्य है वह क्षेत्रीय कार्यालय के आधार पर संयोजकों के द्वारा राज्य स्तर के अधिकारियों के परामर्श से दिया जाएगा। तो ये जो सेवा संग्रह करता है यह प्रचार की दृष्टि से, सेवा संग्रह की दृष्टि से क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा दिया जा रहा है। कितने लोगों को दे चुके हैं भाई आईडी? हाँ, ये जो है सेवा संग्रह करने वालों का, ये पीयूष जी बता रहे हैं प्रधान सेवक, कि 700 लोगों को मिल चुका है, 700 लोगों को मिल चुका है। आप लोगों से मिला है किसी को? है मिलल बा? हाँ, उधर मिला है, झारखंड में तो अभी शुरू हो रहा है यह कार्यक्रम था, इसलिए मैंने कहा था कि यह कार्यक्रम सफल हो जाए फिर झारखंड में विशेष गति होगी और सब बड़े तत्पर हैं। 700 लोगों के लिए कार्ड बना है सेवा संग्रहकर्ता का। संयोजक अपने विवेक से सबको देंगे, राज्य स्तर के अधिकारियों से परामर्श लेकर और क्षेत्र में सक्रियता के आधार पर बिना भेदभाव किए, निष्पक्ष होकर
न्याय संगत होकर ज्ञान की दृष्टि से होकर बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करेंगे और सबको काम करना होगा इसी दृष्टि से, बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सहज ज्ञान न्याय की दृष्टि से आगे बढ़ना है। सबको आगे लेकर चलना है। समय कम है, कार्य ज्यादा है। जो संकल्प है पूरे देश में बांट दिया गया है, पूरे देश में बांट दिया गया है प्रधान कार्यालय के द्वारा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सबको लक्ष्य दिया गया है, पूरे देश को टारगेट दिया गया है। संकल्प यात्राएं भी हो रही हैं, हुई हैं पहले भी। तो सबको जोड़ना है। संत समाज के संयोजक हैं, उपदेष्टा हैं, प्रचारक गण हैं, प्रखंड प्रभारी जहां भी जिस जिले में बने हैं वे, पूर्णकालिक प्रचारकों का भी बहुत बड़ा सहयोग होना है। हमारे विद्यार्थी गण जिनका भी एक बहुत बड़ा बल है और जिनका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है संस्थान के कार्यों में, आश्रम के कार्यों में। युवा संत समाज के सदस्य हैं, उपदेष्टा हैं, प्रचारक हैं, पूर्णकालिक प्रचारक हैं, प्रखंड प्रभारी से लेकर और राज्य के अध्यक्ष तक, सब एक सूत्र में बंधकर आगे बढ़ेंगे तभी यह महान कार्य विशेष रूप से सफल होगा। और लक्ष्य पूर्ण ही नहीं होगा, महालक्ष्य हो जाएगा, लक्ष्य को भी पार कर सकते हैं। इतनी शक्ति आप सब में है। आवश्यकता एकजुटता की है, एकजुट रहेंगे तब लक्ष्य सिद्ध होगा। खींचातानी में काम बिगड़ जाएगा। श्रेय किसको है? श्रेय तो उस अमर सत्ता को है, उस सदगुरु देव को है, सदगुरु की धारा को है और समस्त शिष्यों को, सेवकों को यह श्रेय है कि मानवता के कल्याण में इस महायज्ञ में अपनी आहुति को प्रदान कर दे। तो सहजता के साथ आगे बढ़ें, विवेक के बल के साथ आगे बढ़ें। सबको लक्ष्य दिया गया है लेकिन लक्ष्य के अनुकूल अभी प्रगति नहीं दिख रही है जैसा चिंतन हुआ था। लक्ष्य के अनुकूल गति नहीं दिखती, अभी नहीं दिखती। समीक्षा की जरूरत है इसमें और ये समीक्षा हो रही है, ये समीक्षा की जा रही है। जो नियम और जो अनुशासन बना है उसका पालन करने के लिए सभी परतंत्र हैं, राज्य स्तर के अधिकारी से लेकर, पूर्णकालिक से लेकर, युवा संत समाज से लेकर, सभी आश्रम के नियमों का पालन करने के लिए तत्पर रहे। इसी में सबका कल्याण है। जो हमसे वरिष्ठ हैं उनका हम उचित सम्मान दें, जिन्होंने इस महान कार्य को आगे बढ़ाया है, एक दो वर्षों से नहीं, 5-10 वर्षों से नहीं, 30-40 वर्षों से जिन्होंने इस विहंगम योग के रथ को, इस विहंगम योग के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है, वे हमारे आदर के योग्य हैं, वे हमारे सम्मान के योग्य हैं, वे नमस्कार करने के योग्य हैं। जो अनेक दशकों से सेवा में लगे हैं, सद्गुरु देव के कार्य में लगे हैं,
इस विहंगम योग के पथ को आगे बढ़ाने में लगे हैं जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनका सबको उचित सम्मान करना है और हम सम्मान करते भी हैं। वरिष्ठ जनों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, छोटे कर्तव्य है सब, बड़ों पर तो बड़ा दायित्व रहता है, बड़ों को बड़प्पन दिखाने का सबसे बड़ा दायित्व रहता है। बड़ों का यह दायित्व है जिस कार्य को हमने बड़े ही परिश्रम से, पुरुषार्थ से, सेवा भाव से किया, वह कार्य रुक न जाए, वह कार्य अवरुद्ध न हो जाए, बल्कि वह कार्य आगे आने वाली पीढ़ी हमसे भी आगे लेकर जाए। इसी में बड़प्पन है, इसी में वरिष्ठता है साहब, इसी में व्यापक दृष्टि है। श्रेय लेने की कहां कोई बात है, यहां तो आत्मा के कल्याण की बात है। श्रेय लेने के लिए कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, श्रेय लेने का मार्ग दूसरा है, जिसे कहते हैं राजनीतिक दल, जिसे कहते हैं राजनीति। अध्यात्म नीति जहां है, सत्य जो है वो तो कहना ही है मुझे इस मंच से, और कहूंगा ही, और निर्भीकता के साथ कहूंगा। अध्यात्म जहां है वहां तो प्रेम है, वहां सद्भावना है, वहां सहयोग है, वहां समन्वय है, वहां व्यापक दृष्टि है। तो छोटों का, नवागंतुकों का, नव आगंतुक जो है उनका, उनका यह विशेष दायित्व है कि वरिष्ठ जनों का पूरा सम्मान देते हैं। वरिष्ठ जनों का कर्तव्य है युवा पीढ़ी को समझाकर, बुझाकर इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दें। जो आश्रम के विद्यार्थी हैं, जो आश्रम युवा संघ समाज के सदस्य हैं, सबको आगे बढ़ने का उचित अवसर दें, जिससे यह कार्य, यह लक्ष्य, यह महान लक्ष्य पूर्ण हो सके। इसी में एक शिष्य के जीवन की सफलता है, इसी में एक शिष्य के जीवन का कल्याण है। तो विवेक का बल न छोड़ें। वरिष्ठ जन वरिष्ठता के आधार पर कार्य करें। जो उस कार्य को हमने किया, वह कार्य आगे पल्लवित पुष्पित होता रहे, वो मुरझा न जाए, हम प्रेरणा बने उसके लिए, हमारा जीवन अनेकों के जीवन को बदल दे, हमें देखकर हमारा दर्शन करके, हमारी वाणी को सुन करके नव आगंतुक जो है अपना पूरा जीवन लगा दे इस विहंगम योग की सेवा में, सदगुरु की सेवा में। इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ऐसा हमारा जीवन हो कि सबको प्रेरणा से भर देने वाला हो, हमसे कोई भयभीत ना हो, हम किसी से भयभीत ना हो, हम प्रेम से, सहयोग से, सामंजस्य से आगे बढ़ें, तभी ये बड़ा कार्य संभव होगा। इसका पूरा विधिवत नियम बना है, कई पेजों का बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, प्रधान कार्यालय ने बनाया है, सद्गुरुदेव के संकल्प से और सब सेवकों के सहयोग से यह बना है, पूरा इसका नियम बना है। संत समाज मूल इकाई है और उसी वट वृक्ष के तले हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ना है, युवा संत समाज को आगे बढ़ना। जो सेवा राशि है वो चेक से लेनी है, और चेक प्राप्त हो रहे हैं स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट को, चेक प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। दिल्ली
दिल्ली से लेकर बिहार तक और अनेक अनेक स्थानों से जहां संत समाज का गठन भी नहीं है, जहां संत समाज भी नहीं है, जहां संगठन का ढांचा ही नहीं है, जहां स्वरूप भी नहीं है, वहां से भी एक सहज जिज्ञासु सहज रूप से सेवा भाव से सेवा प्रदान कर रहा है, कर देता है और करेगा ही। जो जहां बैठा है वो किसी कोना में बैठा हो, वो तो जुड़ा है, वो जुड़ा है तार से, वो जुड़ा है धार से, वो जुड़ा है सद्गुरुदेव के मार्ग से, वो जुड़ा है विहंगम योग के ज्ञान से, वो जुड़ा है स्वरवेद के पथ से, महामंदिर के निर्माण से जुड़ा है। वो संत समाज को जानता हो या न जानता हो, वो तो सेवा दे देता है और देगा ही। ग्यारह हजार की सेवा राशि निर्धारित की गई है। कोई अपने पूर्वजों के नाम पर ले रहा है, कोई अपने परिवारिक जनों के नाम पर ले रहा है यज्ञ कुंड मानवता के कल्याण के लिए, कोई अपने परिवार के संपूर्ण सदस्यों के नाम पर ले रहा है, कोई दिवंगत पूर्वजों के नाम पर ले रहा है, और कोई कोई ऐसा है कि अपने गर्भस्थ शिशु के नाम पर ले रहा है, अज्ञात शिशु के नाम पर ले रहा है। ऐसा सहज आकर्षण और प्रेम इस महायज्ञ के प्रति जनमानस में है। तो जो भी नियम बने हैं क्षेत्रीय कार्यालय का, उसका पालन करना है, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। विद्यार्थीगण सहयोग में हैं, युवा संत समाज के सहयोग में हैं, विद्यार्थीगणों को पूरे देश में जाना है, युवा संत समाज को विशेष रूप से बिहार और झारखंड में सक्रिय रहना है। और सब कार्यालय उचित ढंग से अपना कार्य करते रहें जिससे यह लक्ष्य सिद्ध हो। अनेक स्थानों पर मैं भी जा रहा हूं इस महायज्ञ की अलख जगाने, और बड़े ही प्रेम से सब इसे स्वीकार कर रहे हैं, सेवा भावना को स्वीकार कर रहे हैं, सेवा भाव से दृढ़ बन रहे हैं। सबके सहयोग से ही यह कार्य संभव होगा। घड़ी की बढ़ती सुई मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। अमृत वचनों का समय है। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ, आप सबों के विकास की कामना करता हूँ, सबके कल्याण की कामना करता हूँ। विशेष परिस्थिति में कैश में भी यह सेवा ली जा सकती है, सामान्यतया इसके लिए निर्देश नहीं है, जो नियम बनाया गया है चेक से ही यह सेवा लेनी है, कैशलेस की तरफ बढ़ना है। कैशलेस तो नहीं हो सकता, लेस कैश हो सकता है। डिजिटल क्रांति का समय आ रहा है। कैशलेस तो नहीं, लेस कैश की तरफ बढ़ेंगे तो सबकी दृष्टि से अच्छा होगा। ये भी मिश्रा जी भी बैठे हैं यहां पर, ठीक कर रहे हैं ना, महानिरीक्षक महोदय हैं, अकाउंट्स के हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी जानते हैं अकाउंट्स, कभी कभी कुछ समझ लेते हैं। मैंने ही कहा था कि चेक से लेंगे तो होगा कि नहीं प्रोग्राम, तो कह के हाँ चेक से लेंगे तो प्रोग्राम ठीक से होगा, हम चेक से लेंगे, चेक से लेंगे। चेक से समस्या कम है, लेकिन चेक के उपयोग में प्रयोग में बहुत बार अनेक लोगों को असुविधा होती है। वो चेक लेते ही नहीं है, मंगाते नहीं है, और चेक काटने में भी कई बार अनेक प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं, कुछ साइन में इधर उधर हो जाता है, कई ठेर रिटर्न हो जा रहा है चेक के। स्वर्वेद महामंदिर का कई चेक जो है दोहा का अभी से
रिटर्न अनपेड लिख के आ रहने लगता है। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत बड़ा आयोजन है। सामान्य सेवा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा आयोजन है, तो सामान्य सेवा रसीद भी है। इतना बड़ा भंडारा है, जब लाखों लाख भाई बहन एकत्रित तो होंगे, सबके भोजन आवास और चिकित्सा सारी सुविधाओं की बड़ी व्यवस्था वहाँ पर पूरे नियम और अनुशासन से आगे बढ़ानी है। इसके लिए भी कार्य करना है, बहुत कार्य शेष है और समय कम है। बातें तो बहुत हैं, फिर आगे अवसर होने पर सब बातें होंगी, सब सैद्धांतिक और क्रिया रूप व्यवहारिक रूप पर। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ, आप सबके विकास की कामना करता हूँ। और ईश्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ में हम पूरे जी जान से लग जाएं, इस महायज्ञ को हम सफल कर दें। श्रीमान राधा कृष्ण सिन्हा जी, जीपी सिंह जी, सभी झारखंड राज्य के अधिकारी बड़े उत्सुक हैं और उन्होंने कहा है कि जो लक्ष्य दिया गया है झारखंड का, उससे ज्यादा हो जाएगा, हम कर देंगे। सबके लिए जोरदार तालियां। संपूर्ण संत समाज के लिए, संपूर्ण विहंगम योग संत समाज के लिए और ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय वैदिक महायज्ञ के लिए एक बार सभी जोर से एक बार ताली सब लोग सबके लिए बजा रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कुछ महत्वपूर्ण घोषणा है। झारखंड प्रदेश के विहंगम योग संत समाज की जो कार्यकारिणी समिति बनी है, पूर्ववत बनी रहेगी, जिसके नाम इस प्रकार हैं। परामर्श मंडल में श्रीमान कन्हैयालाल अग्रवाल, श्री विष्णुकांत खेमका अध्यक्ष, श्रीमान राधा कृष्ण सिन्हा समन्वयक, डॉक्टर पंकज कुमार दुबे उपाध्यक्ष, श्रीमान शुभाराम यादव दक्षिणी क्षेत्र, श्री यूपी सिंह उत्तरी क्षेत्र, महामंत्री श्रीमान नगीना सिंह दक्षिणी क्षेत्र, श्रीमान जीपी सिंह उत्तरी क्षेत्र, अक्षय कोष एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमान केपी श्रीवास्तव उत्तरी क्षेत्र, शिवमेश यादव दक्षिणी क्षेत्र, पत्रिका एवं प्रचार मंत्री श्री अखिलेश शर्मा दक्षिणी क्षेत्र, श्री दिनेश कुमार ठाकुर उत्तरी क्षेत्र, अन्न मंत्री श्री ललित सिंह दक्षिणी क्षेत्र, श्री दिलीप महतो उत्तरी क्षेत्र। आप सभी झारखंड प्रदेश विहंगम योग संत समाज के कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण हैं, जिनके पद के अनुसार उनके उत्तरदायित्व निर्धारित है। आप सभी अपने भूमि से ही सद्गुरु को प्रणाम कर आशीष ग्रहण कर लें। और तीन उपदेष्टाओं की घोषणा की जाती है, जिसमें साक्षी से श्री राजकुमार मिश्रा जी आप अपने स्थान पर बने रहें और सद्गुरुदेव से आशीष ग्रहण कर लें। श्री शिवनंदन ठाकुर मानगो,
श्री लाली राम घाटशिला। आप तीनों को आज सदगुरुदेव की असीम अनुकंपा से उपदेष्टा घोषित किया जाता है। आप सभी अपनी भूमि से प्रणाम करें। एक बार जोरदार जय घोष बोलिए, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब हम सभी शांतिपूर्वक सजगता के साथ अपने स्थान पर गोमन अंग संभाल कर बैठ जाएं। अमृत वचनों का अमृत समय अब आ चुका है। जिस मंगल मूरत के दर्शन मात्र से भक्ति जागृत होती है, उन वाणियों का वर्णन अकथनीय है, अकल्पनीय है, अलौकिक है, अद्भुत है, अतुल्य है, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप सभी उपस्थित भक्तगणों की ओर से आज विहंगम योग संत समागम में उपस्थित, इस आध्यात्मिक मेला में उपस्थित आप सभी सद्गुरु के चरण अनुरागी भक्तों की ओर से, शिष्यों की ओर से मैं प्रातस्मरणीय, प्रातः अंतर्वंदनीय, अध्यात्म मार्तंड, अनंत से विभूषित सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए सत सत अमृतवाणी की याचना करता हूं।
शेष जिन जाना तिन पाइया सदगुरु चरण शेष परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गजो बीत जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सद गुरु मीत दुर्लभ सद गुरु पंथ है भाग्यवान नर पाय देव सदा फल हरि कृपा तब अमरा पुरु जाय श्री राधा कृष्ण सिन्हा जी अध्यक्ष झारखंड श्री शोभाराम यादव जी उपाध्यक्ष झारखंड श्री जी पी सिंह जी महामंत्री झारखंड श्री डी एन सिंह जी महामंत्री बिहार श्री पी एन सिंह जी परामर्शक बिहार श्री ददन सिंह जी यज्ञ मंत्री बिहार श्री रामचंद्र तिवारी जी परामर्शक बिहार श्री मिथिलेश सिंह जी परामर्शक लातेहार श्री नगीना सिंह जी महामंत्री झारखंड श्री विष्णुदेव प्रसाद जी संयोजक लातेहार श्री ए बी मिश्रा जी महानिरीक्षक श्री विष्णुकांत खेमका जी परामर्शक झारखंड श्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी परामर्शक झारखंड ललित सिंह जी अन्न मंत्री झारखंड श्री यूपी सिंह जी उपाध्यक्ष झारखंड श्री कमलेश श्रीवास्तव जी समाज कल्याण मंत्री झारखंड श्री दिनेश सिंह जी प्रचारक झारखंड श्री गुलाब भगत जी लोहरदगा झारखंड श्री जवाहिर उराव कार्यक्रम संयोजक श्री पंकज दुबे जी झारखंड श्री सोमेश्वर टाना भगत जी आश्रम प्रभारी श्री केदारनाथ जी द्विवेदी डाटियनगंज श्री जे के मिश्रा जी सीए रांची सीओ रांची महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री की जन्म जयंती के पावन अवसर पर आप सभी के बीच मुझे आने का अवसर मिला। यह जो पावन पर्व है हम प्रत्येक वर्ष बड़े ही उल्लास से बड़े ही उमंग से बड़े ही हर्ष के साथ मनाते हैं। शिवरात्रि का जो दिन है हम सबके लिए एक परम पावन दिन है, पवन पावन तीर्थ है, जिस
शुभ दिन के अवसर पर हमारे प्रथम परंपरा सदगुरु का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। विहंगम योग संस्थान के अंदर वर्ष में कई पर्व हम मनाते रहे हैं, उसमें पर्व आता है अघन सुदी पंचमी षष्ठी का, पर्व आता है सदगुरु की पूर्ण तिथि का, और एक यह पर्व है महाशिवरात्रि का। हम प्रत्येक वर्ष प्रागट दिवस भी मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष सदगुरु की जन्म जयंती भी मनाते हैं। ये सब क्या है? हमारे संस्थान के महान पर्व हैं, महान तीर्थ हैं। जिस अवसर पर हम सदगुरु को याद करते हैं, सदगुरु का स्मरण करते हैं, सदगुरु के सिद्धांत की चर्चा करते हैं, विहंगम योग के दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, हम सभी एक ऐसी सत्ता से जुड़े हैं जिसका संबंध एक ऐसी शक्ति से है जिसका नाम है ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म शक्ति वह शक्ति है जिस शक्ति के आधार पर यह संसार जो चक्र है चल रहा है। सदगुरुदेव ने कहा, ब्रह्म शक्ति प्रचंड जागे, काल चक्र चला करे। तो हम सभी उस ब्रह्म शक्ति के चक्र में चल रहे हैं। वही ब्रह्म जो है सृष्टि का नियामक है, वही ब्रह्म साक्षी है, वही ब्रह्म फल प्रदाता है, वही न्याय करता है, वही सर्वशक्तिमान है, चराचर जगत का नियंता है। उसी ब्रह्म की शक्ति को पाकर के सदगुरु जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार करते हैं। स्वरवेद के अंदर सदगुरुदेव ने चर्चा की है ब्रह्म विद्या की। ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म कहते हैं बड़े को, जिसके द्वारा स्थिति हो, जिसके द्वारा पालन हो, जिसके द्वारा लय हो, उसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा। वेदांत दर्शन का जो प्रथम सूत्र है वो क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सृष्टि के आदिकाल से
हमारे आपके अंदर जिज्ञासा बनी हुई है, बनी रहती है कि ब्रह्म है क्या। ऋषि कहते हैं जन्माद्यस्यत, जिसके द्वारा जन्म हो, स्थिति हो, पालन हो, लय हो, उसका नाम ब्रह्म है। इससे भी हमें संतोष नहीं मिला तो ऋषि ने कहा सहस्र योनि त्वात्, ब्रह्म वह है जो सभी शास्त्रों का मूल है। तो यह जो ब्रह्म विद्या है निकली है कहां से, ब्रह्म से। सद्गुरुदेव ने शरीर त्याग के पूर्व में कहा था कि ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार, और वह प्रचार प्रसार कौन करता है, वह करते हैं सद्गुरु। सद्गुरु चार प्रकार के चारों युग जग आए, भक्ति मुक्ति हंसन मिले, जन्म मरण दुख जाए। सद्गुरु की जो सत्ता है, जिस तरह से ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म की सत्ता है जो नित्य है, जो चेतन है, उसी तरह से सद्गुरु की भी एक सत्ता है जो कि ब्रह्म की तरह ही नित्य भी है और चेतन भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कभी नाश नहीं होता, जो सदैव नित्य है और नित्य रहती है, नित्य रहेगी। जैसे ब्रह्म है, जैसे जीव है, जैसे सद्गुरु है, जैसे काल है, जैसे अक्षर सत्ता है, इनका कभी नाश नहीं होता। गुरु और सद्गुरु में भी भेद है। सद जो विशेषण है वो गुरु के पहले इसलिए है कि सही गुरु, सच्चा गुरु, तो वह कौन है, सद्गुरु है। गुरु गुरु में भी भेद है, गुरु की भी कई श्रेणियां हैं। कहीं पर लौकिक गुरु है, कहीं पर वैदिक गुरु है, कहीं पर पारमार्थिक गुरु है। लौकिक गुरु वह है जो हमें ज्ञान देता है लोग का, व्यवहार का, समाज का। वैदिक गुरु वह है जो हमें ज्ञान देता है वेद का, वेदांत का, शास्त्र का। एक परमार्थी गुरु है जिसे हम सद्गुरु कहते हैं, जो हमें संसार के बंधन से छुड़ा देता है, जो हमें भवसागर से पार करा देता है।
कुछ ऐसे भी गुरु हैं जिनका कार्य है मंत्र फूंकना, मंत्र देना, जिसे कहा है संतों ने गुरुवा। गुरुवा लोग मंत्र फूंकते हैं, मंत्र देते हैं, किसी को शिव मंत्र देंगे, किसी को राम मंत्र देंगे, किसी को विष्णु मंत्र देंगे। गुरुवा लोग गली गली घूमते रहते हैं, मंत्र देते रहते हैं, कान फूंकते रहते हैं। गुरु लोग ज्ञान देते हैं और सदगुरु जो है जीव को संसार के बंधन से छुड़ा देते हैं। तो आज हम जिस सत्ता की जन्म जयंती मना रहे हैं, वह सत्ता सदगुरु है और उस सत्ता का कभी नाश नहीं होता। वह नित्य है, वह चेतन है। स्वरवेद के अंदर सदगुरुदेव ने कहा कि उसका जो स्वरूप है व्यापक है, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान। सदगुरु जो है देह का नाम नहीं है, सदगुरु शरीर का नाम नहीं है। सदगुरु तो एक सत्ता है, एक चेतन शक्ति है। सदगुरु देव कहते थे जीवन काल में कि शरीर की लोग पूजा करते हैं, शरीर का ध्यान करते हैं, लेकिन यह जो शरीर है ये तो मिट्टी का है, मिटने वाला है। वह जो शक्ति है शरीर में ब्रह्म की है, इसलिए सदगुरु के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, प्रेमी हैं, विरही हैं, सदगुरु के व्यक्त देह की पूजा करते हैं, क्योंकि उसी व्यक्त देह में वह ब्रह्म की शक्ति अवतरित हुई है। अंत में वह जो व्यक्त देह है वह भी मिट जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन सदगुरु जो तत्व है वह नष्ट नहीं होता। उसकी शक्ति नित्य है और सदैव कार्य करती रहती है। सदगुरु को कहा गया है कि वह जो सत्ता है ब्रह्म के स्वरूप में है। सदगुरु प्रभु कछु नाही भेदा, सदगुरु सुमिरी मिटहि सब खेदा। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के महान, पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाए।
सदगुरु के जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, जो विरही हंस हंसनी हैं, वह अपने आराध्य देव को प्रभु के रूप में देखते हैं। तो हमारे जो सदगुरु हैं प्रभु के रूप हैं, प्रभु के स्वरूप हैं, नर के रूप में हैं, लेकिन प्रभु की शक्ति उनके अंदर कार्य कर रही है। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माए पारस दे जगजीव को कंचन रूप बनाए। सदगुरु का स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि सदगुरु जो है जीव को तारने वाला है। सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी, अजिनके मिलहिं परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। तो सदगुरु जो है एक विशेष चेतन शक्ति है। सदगुरु की पहचान बड़ी कठिन है। सदगुरु जिसको चाहता है वही उसकी पहचान कर पाता है। सदगुरु को हम शरीर रूप में देखते हैं, लेकिन सदगुरु जो है शरीर उसका क्या है, व्यक्त देह है। तभी तो संतों की वाणी है कि देही का गुरु सबहिन किन्हा, सदगुरु रूप काहु नहीं चिन्हा, जाको सदगुरु की प्रतीति, निर्भय होय सुभव जल जीती। प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री का जन्म आज से 98 वर्ष पूर्व 1919 में बलिया जिले के पकड़ी गांव में हुआ था। आज ही के दिन शिवरात्रि के दिन परम आराध्य सदगुरुदेव ने डायरी में लिखा कि आज शिवरात्रि के दिन एक योगी प्रकट हुआ। योगी कुल में योगी ही प्रकट होते हैं। सदगुरु जो है चुनाव करता है विशिष्ट आत्मा का। पिता पुत्र का जो संबंध है यह तो लौकिक व्यवहार में होता आया है और होता रहेगा, लेकिन सदगुरु जो है तलाशता है, खोजता है उस विशेष आत्मा को, जिसके द्वारा सदगुरु का कार्य होता है। सदगुरु देव ने शरीर त्याग के पूर्व प्रथम आचार्य श्री को क्या कहा था, यही कहा था कि यह योगी कुल है,
इसकी तार धार चलती रहेगी, कोई न कोई इसका आचार्य होता रहेगा। जब उस तार धार से हम जुड़ जाते हैं तो वह जो चेतन शक्ति है अपने मंडल से कार्य करना शुरू कर देती है। बिना तार धार के जुड़े सदगुरु का प्रचार नहीं होता है। उस तार धार से जुड़ने के लिए आवश्यकता है सदगुरु को संस्कारी उच्च आत्मा की, जिसके अंदर सदगुरु अपनी शक्ति को प्रवाहित कर सके। प्रथम आचार्य श्री वह विभूति थे, वह महान शक्ति थी जिसके अंदर सदगुरु ने अपनी शक्ति को प्रवाहित किया। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने शरीर त्याग करने के पहले ही आचार्य श्री को क्या कहा कि मेरे जीवन में बहुत से भक्त आए, बहुत से शिष्य आए, ब्रह्मचारी आए, गृहस्थ आए, संन्यासी आए, उपदेशक विद्वान आए, तांत्रिक आए, लेकिन कोई भी मेरे पास स्थिर नहीं रहा। जो मेरे ज्ञान को समझे, जिसके अंदर मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह कर सकूं, सदगुरुदेव ने आचार्य श्री को कहा आपका शरीर मेरे शरीर से बना हुआ है, आपके अंदर मेरी शक्ति विशेष रूप से कार्य कर रही है। दूसरे के अशुद्ध शरीर में मैं ज्ञान कैसे देता? सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के पहले एक संत के अंदर शक्तिपात किया, शक्ति को प्रवाहित किया। वह संत भी आज नहीं रहे, उनका भी शरीर छूट गया। सदगुरु ने जब शक्ति को प्रवाहित करना आरंभ किया तो वह संत काफी दूर थे। जब प्रवाहित किया गया तो उनके अंदर व्याकुलता होने लगी। वे अपने को संभाल नहीं पाए और लगे जोर जोर से चिल्लाने कि स्वामी जी स्वामी जी, अपनी शक्ति को खींचिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा कि देखो
इसके अंदर शक्ति मैं देना चाहता हूं, लेकिन शक्ति को धारण करने का सामर्थ्य इसके अंदर नहीं है। स्वामी जी ने आचार्य को कहा कि आपके अंदर शक्ति प्रवाहित करने में मुझे सुविधा है, सहजता है, सरलता है। शक्ति धीरे धीरे प्रवाहित होगी, जैसे तालाब है, तालाब के अंदर पानी धीरे धीरे आ रहा है, समय से तालाब भर जाता है। सद्गुरुदेव ने कहा आचार्य श्री को कि जब तक मैं रहूंगा तब तक आपके अंदर कमी रहेगी, जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो कमी भाग जाएगी और धीरे धीरे मेरा पूरा ज्ञान, मेरी पूरी शक्ति आपके अंदर उतर जाएगी। सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के 3 वर्ष बाद आपकी आरती होगी, आपकी पूजा होगी, आप भक्तों को दर्शन देंगे, वरदान देंगे, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा। सद्गुरुदेव ने कहा कि आप जग जीवों को तारने वाले हैं, आपके द्वारा अनेक भक्तों का उद्धार होगा, तो प्रवाहित करने की एक विशेष युक्ति है, एक विशेष टेक्निक है, और वह युक्ति जो है, वह जो विधि है, वह जो टेक्निक है, उसका संबंध किसी पुस्तक से नहीं है, किसी साहित्य से नहीं है, किसी वांग्मय से नहीं है, वहां चारों वेद नहीं है, खटशास्त्र नहीं है, दर्शन पुराण नहीं है, पांडित्य नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है, प्रज्ञामूलक बौद्धिक व्यायाम नहीं है, वहां तो एक स्रोत है, एक स्वाति है, एक प्रवाह है, एक धारा है, जिसको सदगुरु विशिष्ट आत्माओं के अंदर समय काल से प्रवाहित कर देता है। उसके लिए पाणिनि के व्याकरण के स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है, वहां दर्शन की आवश्यकता नहीं है, वहां पर अष्टचक्रों के वेदन की आवश्यकता नहीं है, वहां न कोई तंत्र है न मंत्र है,
वहां तो एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति है, वहां एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा है। अरे वही तो परमाणुओं का योग वियोग है, वही तो अक्षर की इच्छा शक्ति है, लोम विलोम की क्रिया वहीं पर होती है। नए परमाणुओं को हम कैच करते हैं, पुराने परमाणुओं को छोड़ते हैं। अरे वही तो मेरा चेतन केंद्र है, जहां से हम संकल्प करते हैं, जहां से हम शक्तिपात करते हैं, जहां से हम शक्ति का संचार करते हैं, जहां से हम मनोभावों को बदल देते हैं, जहां से हम चेतना को ऊर्ध्व कर देते हैं, वहीं तो अक्षर का प्रकाश है, वहीं तो अक्षर की धारा है। तभी तो सद्गुरुदेव ने कहा कि श्रुत ज्ञान धारा चली, श्रुत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय, साधन सुन्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होए। अजगुर की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। एक समय था जब मेरे अंदर भी बाल्यकाल में बहुत अभिमान था, जब मेरी अवस्था 18-20 की थी, जब मैं पढ़ता था पाणिनि महाविद्यालय काशी में, वाराणसी में, जहां पर मैं अध्ययन करता था व्याकरण का, दर्शन का, वेद का। ये बात 1964 की है। प्रथम आचार्य श्री प्रत्येक वर्ष साल में 3-4 बार आते थे मुझे देखने के लिए कि मेरी पढ़ाई किस तरह से हो रही है, चल रही है। बातों ही बात में एक दिन आचार्य श्री ने कहा कि विद्या का अभिमान इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान के आगे थोथा है, नगण्य है। वे कहते थे कि अपरा विद्या की भी आवश्यकता है, अपरा विद्या का भी महत्व है, अपरा विद्या की भी उपयोगिता है। वे कहते थे इसका भी ज्ञान आवश्यक है, और पराविद्या के लिए कहते थे यह तो तुम्हारे घर की विद्या है, कहते थे वह तो एक क्षण का कार्य है। तो एक क्षण का कार्य वो क्या है? एक मिनट का वह कार्य क्या है?
वही तो शक्ति का प्रवाह है, वही तो अध्यात्म का भंडार है, जहां पर 10 और 2 का भेद रहस्य छिपा हुआ है। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि एक ज्ञान गुरुमुखी होता है और एक ज्ञान होता है पुस्तकी। पुस्तक पढ़ कर के हम विद्वान बन सकते हैं, पुस्तक पढ़ कर के हम प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान गुरुमुखी है उसका अनुभव होता है गुरु शिष्य परंपरा से, और वह किसी पुस्तक में नहीं मिलता, वह ग्रंथों के स्वाध्याय से प्राप्त नहीं होता, वह तो प्राप्त होता है सद्गुरु की विशेष कृपा से। सद्गुरु जिसका चुनाव कर लेता है, उस महान संस्कारी आत्मा के अंदर, जीव के अंदर वह शक्ति को दे देता है। दो चीजें हैं, एक बतलाना है, एक देना है। मेरे पास भी शिष्य आते हैं, भक्त आते हैं, जिज्ञासु आते हैं, मैं दीक्षा दे भी देता हूं और बतला भी देता हूं। बतलाने में और देने में अंतर होता है। प्रसाद भी दिया जाता है शिष्यों को, प्रसाद देने की भी एक परंपरा बहु प्राचीन काल से है। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसन्नता जो है इसका प्रयोग करते हैं कौन लोग? संत लोग, महात्मा लोग। सद्गुरु का जो प्रसाद है, उस प्रसाद में एक विशेष शक्ति होती है, एक विशेष आकर्षण होता है, जो शिष्यों के लिए कल्याणकारी होता है। प्रसाद में भी भेद है। प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद बतलाया नहीं जाता है। गुरु ज्ञान दे देता है, बतलाता नहीं है। बतलाना और देना अलग है। संस्कारी आत्मा के अंदर सद्गुरु ज्ञान को देता है, सद्गुरु दाता होता है। साधारण जो आत्मा है, जो जीव है, वहां पर प्रथा है बतलाने की। तो सद्गुरु देव दाता हैं, किसके लिए? जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध हंस हैं, स्वर वेद के अंदर सद्गुरु देव ने शिष्यों की भी, साधकों की भी कई श्रेणियां बताई हैं। उत्तम है,
मध्यम है, कनिष्ठ है, अधम है और अधमाधम भी है, पांच श्रेणियां हैं। उत्तम कोटि का जो साधक है उसके लिए सद्गुरु का जो संकेत है वही उसके लिए प्राप्त होता है। उत्तम अधिकारी मिले सार शब्द उपदेश, सदगुरु सैन्य लखा वही नई भाषण आदेश। मध्यम कोटि के भी हैं, कनिष्ठ कोटि के भी हैं, जिसके विषय में सदगुरु की वाणी है। वह वाणी क्या है? वह वाणी यह है कि मध्यम कोटि का साधक साधन करता है बहुत वर्षों तक। मध्यम कोटि साधकना अधिक समय अभ्यास, जो जस शुद्ध अस्तित्व है त्यों तस समय विकास। तो जिस तरह से हमारे संस्कार हैं, जिस तरह के हमारे भाव हैं, उसी तरह से कोटि भेद से सदगुरु अपनी कृपा देता है। कोई उत्तम कोटि का है उसको सदगुरु जो है विशेष बात नहीं करता है, उसके सामने प्रवचन नहीं करता है, वो तो शुद्ध आत्मा है, सामने बैठाता है। सदगुरुदेव कहते थे आचार्य श्री को कि आप सामने बैठिए, जब भी बैठिए सामने बैठिए, मैं शक्ति को दे रहा हूं। संस्कारी आत्मा के अंदर सदगुरु बिना कुछ कहे, बिना कुछ बतलाए शक्ति को दे देता है। यह कला जो है सदगुरु के पास है। वह उत्तराधिकारी के अंदर ज्ञान को प्रवाहित कर देता है। उस ज्ञान के आगे प्राकृतिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, अपरा विद्या का ज्ञान थोथा है, नगण्य है। यह बात हमारी समझ में तब आई जब प्रथम परंपरा आचार्य ने मुझे बुलाया काशी से शरीर छोड़ने के पहले, 3 मास पहले बैठाया उस गुफा में, जो गुफा उस समय कच्ची थी। प्रथम आचार्य ने कहा कि सदगुरु का जो ज्ञान है उस ज्ञान का आधार पुस्तक में नहीं है। पुस्तक में तो वह ज्ञान है, ब्रह्म विद्या के अंदर 2 तरह का ज्ञान है। एक आभ्यंतर ज्ञान है, एक वह ज्ञान है। तो वह ज्ञान का तो अनुभव हमें हो जाता है स्वाध्याय से, अध्ययन से। लेकिन जहां पर आभ्यंतर भेद साधन की बात है तो उसका उल्लेख किसी साहित्य में नहीं है। वह तो ज्ञान होता है परंपराबद्ध सदगुरुओं के द्वारा। स्वर वेद का जो ज्ञान है
उस ज्ञान का संबंध किसी वाह्य पुस्तक से नहीं है, किसी वाह्य वांग्मय से नहीं है। उस ज्ञान को हमारे सदगुरु पितर ने स्वाध्याय करके ग्रंथों के पठन पाठन से नहीं जाना। हमारे अमर सदगुरु ने उस ज्ञान को अनुभव किया साधन करके, तपस्या करके, तभी तो सदगुरुदेव ने कहा निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। प्रथम आचार्य कहते थे कि स्वामी जी के प्रति मेरी आस्था इसलिए है कि स्वामी जी का जो ज्ञान है उस ज्ञान का आधार कोई पुस्तक नहीं, कोई साहित्य नहीं। सदगुरुदेव हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी शिक्षा सामान्य थी, लेकिन उनका ज्ञान अगाध था। प्रथम आचार्य कहते थे कि स्वर वेद के समान भूमंडल में कोई आध्यात्मिक साहित्य नहीं है, आध्यात्मिक वांग्मय नहीं है। क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि सदगुरु देव का जो ज्ञान है उसका आधार कोई पुस्तक नहीं है। सदगुरु देव ने जिस ज्ञान को समाधि में, साधना में, तपस्या में अनुभव किया, उसी का प्रचार प्रसार किया। प्रथम आचार्य कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसका आधार मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी साधना है। स्वामी जी के चरणों में हमारी आप सबकी आस्था क्यों है? सदगुरु के चरणों में हम सभी समर्पित क्यों हैं? इसलिए है कि उनका जो ज्ञान है अनुभव पूर्ण है। सदगुरु देव ने जो अध्यात्म की ज्योति जलाई है वहां पर केवल अनुभव है, अनुभव युक्ति भेद विहंगम मरम बताने वाले। धन धन सदगुरु देव कृपालु प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। जाकर अंत वेद नहीं पावे ताही सरल मत वाले। धन धन सदगुरु देव कृपालु प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। तो हमारे सदगुरु देव जो हैं, उनका ज्ञान सबसे निराला है, सबसे अद्भुत है, अनोखा है। सदगुरु देव की जो वाणी है वह अमोघ है। स्वर वेद का जो दर्शन है, जो ज्ञान है, जो साहित्य है, भूमंडल में कहीं नहीं है। सुन शिखर की जो कंदरा है, जो गुफा है, उस कंदरा में बैठ करके सदगुरु देव ने उस महान आध्यात्मिक
ज्ञान को अनुभव में प्राप्त किया। सोन शिखर की जो गुफा है, जहां पर बैठ करके हमारे सदगुरुदेव ने स्वर वेद ग्रंथ का निर्माण किया, सदगुरुदेव का जो ज्ञान है बंधुओं सर्वोपरि इसीलिए है कि उस ज्ञान में कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है। सदगुरुदेव कहते थे प्रज्ञा मूलक बौद्धिक व्यायाम। तो विहंगम योग के अंदर जो ब्रह्म विद्या है, जो सहज योग है, जो मीन मार्ग है, जो देवयान पथ है, वहां पर कोई प्रज्ञा मूलक बौद्धिक व्यायाम नहीं। यहां तो अनुभव है। तो हम जो लोग भी विहंगम योग से जुड़े हुए हैं, हमारा विहंगम परिवार देश ही में नहीं विदेश में भी है, 35 देशों में विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो चुका है, 100 देशों में जाने की बात है। विहंगम योग का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को फैलाने के लिए सदगुरुदेव ने पहले ही भविष्यवाणी के क्रम में निर्देश दे दिया है। हम तो सदगुरु के सिपाही हैं। सदगुरुदेव ने कहा प्रथम आचार्य श्री को कि प्रचार मैं कर दिया, प्रचार हो गया, सदगुरु के दूत, सदगुरु के सिपाही, प्रचारक, उपदेष्टा, आचार्य जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। स्वर वेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ जो होने वाला है 13-14 मई को स्वर वेद महामंदिर परिसर में, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। यह जो महान यज्ञ हो रहा है 13-14 मई को स्वर वेद महामंदिर परिसर में, अद्भुत होगा। 21,000 कुंड का होगा, जिसमें लगभग 1,00,000 तो आपके यजमान होंगे, कुछ विशेष कुंडों की भी व्यवस्था होगी। जिस कुंड पर एक साथ 3 जोड़े 4 जोड़े भी बैठ सकते हैं, तो छोटे बड़े कुंड लेकर के लगभग 1,00,000 यजमान होंगे। यह अपने में अद्भुत कार्य है और अपना अद्भुत मार्ग भी है। अब तक जितने भी यज्ञ हुए विहंगम योग संस्थान के अंदर, उसमें यह जो यज्ञ है सबसे बड़ा अनोखा होगा, निराला होगा। यज्ञ की शुरुआत एक कुंड से हुई थी। सदगुरुदेव अपने जीवन काल में एक कुंड का ही यजमान करते थे।
प्रथम आचार्य श्री ने भी अपने जीवन में एक यज्ञ का ही संपादन किया था। मैं भी शुरू शुरू में प्रथम कुंड का ही यज्ञ हवन करता कराता था। 46 वर्षों से मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं सदगुरु की विशेष दया से, सदगुरु की विशेष शक्ति से। पहले एक कुंड का ही हवन होता था और वहां लुढ़ाते थे 10 आदमी 15 आदमी, कहीं 5 आदमी। एक कुंड से हुआ 5 कुंड, फिर हुआ 11 कुंड, फिर हुआ 21 कुंड, फिर हुआ 51 कुंड, फिर हुआ 108 कुंड, फिर हुआ 251 कुंड, फिर हुआ 551 कुंड, फिर 1008 कुंड, फिर 2500 कुंड, और लास्ट में हुआ क्या, 5100 कुंड। अब 5001 कुंड से हो रहा है 21,000 कुंड। ये कृपा किसकी है, ये प्रेरणा किसकी है? मेरे पितर सदगुरु की है। उनकी कृपा से ही 21,000 कुंड का हम लोग यज्ञ हवन करने जा रहे हैं। बंधुओं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। इस अवसर को हमें आपको नहीं खोना है और इस महान यज्ञ में हम विहंगम परिवार के जो भी सदस्य हैं सबको तन मन धन से लग जाना है। चाहे वो युवा शक्ति हो, चाहे वो छात्र शक्ति हो, चाहे वो महिला शक्ति हो, हमें सबकी आवश्यकता है। हमारा जो विहंगम योग संघ समाज है बहुत पुराना है। हमारे साथ जो जुड़े हैं 40 साल से, 45 साल से, 30 साल से, 35 साल से, उनकी सेवा को भी हम नहीं भूल सकते। वे हमारे प्रिय हैं और प्रिय रहेंगे। उनका सम्मान है। लेकिन जैसा हमारे संत प्रवर महोदय ने कहा है, विज्ञान देव महाराज ने, कि जो भी हमारे संत समाज के पुराने हैं, नई पीढ़ी उनका सम्मान करे, ये बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी उनसे दिशा निर्देश ले, उनके दिशा निर्देश में चले, सेवा करे। हमें आवश्यकता है मातृशक्ति की भी, आवश्यकता है महिला जागरण की भी। विहंगम और संस्थान में महिलाओं का भी सम्मान होना है। हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, जो देवियां हैं, ये भी पीछे नहीं है। ये भी इस स्वर्वेद महान यज्ञ अभियान में आगे हैं। इनके सहयोग को भी हम आप नहीं भूल सकते। तो आवश्यकता हमें है
युवा शक्ति की भी, आवश्यकता है छात्र शक्ति की भी, आवश्यकता है मातृ शक्ति की भी, आवश्यकता है हमारे सदगुरु के जो पुराने सिपाही हैं, जो दूत हैं, जो अधिकारी हैं, जो उपदेष्टा हैं, जो प्रचारक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी भी आवश्यकता है, उनकी भी उपयोगिता है। जो भी हमारे संत समाज के पुराने हैं, उनका सम्मान करना सबका कर्तव्य है। उनसे दिशा निर्देश सब ले, उनके अनुभव का हम सभी लाभ उठावें। नई जो पीढ़ी है, इसको हम स्नेह दें, इनको प्रेम दें, इनको तैयार करें, सबके सहयोग से, सबके समन्वय से, सबके सौहार्द से, सबके भाईचारे से ही यह जो महान कार्य है पूर्ण होने वाला है। तो हमें सबकी आवश्यकता है, हम सब लोग मिल करके परस्पर प्रेम से, सौहार्द से, सहानुभूति से, भाईचारे से इस कार्य को करें। यह कार्य सदगुरु का है और हम सभी सदगुरु के पुत्र हैं। अंतर यही है, कोई नाद पुत्र है और कोई विद्ध पुत्र है। पुत्र का क्या धर्म है? पुत्र का धर्म है पिता के आदेश का पालन करना, पिता के निर्देश में रहना। तो हम सभी सदगुरु के पुत्र हैं, तो हम सदगुरु के नियम में रहें, आश्रम के आदेश में रहें, अनुशासन में रहें। हमारा कोई ऐसा कार्य न हो जिससे हमारे पिता सदगुरु कष्ट में आ जाए। वह पुत्र कैसा है जिसके व्यवहार से पिता जो है दुखित हो जाए? तो हम सबको ये ख्याल रखना है, हम सभी सदगुरु के पुत्र हैं, सदगुरु हमारे पिता हैं, तो पिता के आदेश का पालन हम सबको करना है। हमें मनमुखी बनने का प्रयास नहीं करना है। एक गुरुमुखी होता है और एक मनमुखी होता है। तो हम सभी गुरुमुखी बने और गुरु के आश्रम के नियम में, आदेश में, अनुशासन में रह करके सदगुरु के कार्य को आगे बढ़ावे। आप सबका स्नेह प्रेम देख करके मुझे लगता है कि यह जो महान यज्ञ है 21,000 कुंडों का अवश्य सफल होगा। मैं आप सबके अंदर एक विशेष उत्साह देख रहा हूं, विशेष उमंग देख रहा हूं, सबके चेहरे पर प्रसन्नता देख रहा हूं, सबके अंदर उत्साह देख रहा हूं, सबके अंदर आस्तिक भाव है, सबके अंदर सदगुरु के चरणों में समर्पण की भावना है। तो जहां श्रद्धा है, जहां आस्था है, जहां समर्पण है, वहां पर यह महान यज्ञ सफल क्यों नहीं होगा?
हमें सबको लेकर के चलना है। हम सबके हैं, सभी हमारे हैं। हमारी जो नीति है सबको लेकर के चलने की है। जो पुराने हैं अथवा जो नए हैं सभी अपने ही तो हैं। या जो विहंगम परिवार है हमारा बहुत बड़ा है, देश में भी है और विदेश में भी है, तो सब हमारे हैं, हम सबके हैं। इसी नीति से, इसी नियम के तहत हमें सदगुरु के प्रचार कार्य में, सदगुरु के इस महान यज्ञ में लग जाना है और सबको इसमें सहयोग करना है, सबको इसमें सेवा करनी है, तन से, मन से, धन से। इस महान यज्ञ को पूरा करने में हम सबको तत्पर हो जाना है, लग जाना है। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। हमारा ऐसा कोई भी कार्य न हो जिससे हमारे पिता सदगुरु अप्रसन्न हो जाए, चिंता में पड़ जाए। पुत्र वही है जो पिता के निर्देश में रहे, पिता के आदेश में रहे। तो सदगुरु का जो आदेश है हम सभी पुत्रों पर है, चाहे हम नाल पुत्र हो चाहे बिंद पुत्र हो, सदगुरु की प्रेरणा सबको मिल रही है। तो सदगुरु के नियम में हम लोग को रहना है। हमारे किसी भी कार्य से अगर हमारे पिता सदगुरु दुखित हैं तो हम लोगों के लिए उचित नहीं है। हमें अपने पिता सदगुरु को प्रसन्न करना है। सदगुरु जब प्रसन्न होंगे तो फिर शेष क्या रह जाएगा। सदगुरु की प्रसन्नता फिर प्रसन्न प्रभु। तो हमें अपनी सेवा से सदगुरु प्रभु को प्रसन्न करना है। और यह जो सेवा का अवसर है बंधुओं बार बार नहीं मिलता। तो 13-14 मई को जो कार्यक्रम हो रहा है स्वरवेद महामंदिर परिसर उमराहा में, इसके लिए हम सभी लोग तैयार रहे। और जिसको जो निर्देश हुआ है उस पर ध्यान दें। सभी लोग प्रेम से मिलजुल करके इस कार्य को करें। परस्पर जो है विवाद पैदा न हो, परस्पर सहानुभूति हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, सहानुभूति हो, सौहार्द हो, तभी यह महान यज्ञ आप सबके सहयोग से पूरा होगा। अंत में आप जो भी सदगुरु के भक्त, शिष्य, प्रेमी, साधक यहाँ पर उपस्थित हैं इस महान शुभ अवसर पर, आप सबका सर्वांगीण विकास हो, आपका भौतिक विकास हो, आपका आध्यात्मिक विकास हो, आप हर क्षेत्र में उत्थान करें, आप शरीर से भी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आप टेंशन फ्री हो, तनाव मुक्त हो, आप सबके परिवार में लक्ष्मी का वास हो, आप सभी
अपने उद्योग में, व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की करें और अंत में पराविद्या, ब्रह्म विद्या, मद विद्या के द्वारा सदगुरु के प्रकाश में प्रभु को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो सदगुरु के सिद्धांत से भली भांति अवगत हैं,